दोस्तों 2022 बॉलीवुड के लिए काफी खराब साल रहा, जहां बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप हो गई। पर 2023 में कुछ ऐसी फिल्में आने वाली है जो कि बॉलीवुड को कमबैक करा सकती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं जो बॉलीवुड में तहलका मचा सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैदान से। दोस्तों मैदान अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं। और इस फिल्म की कहानी सैयद अब्दुल रहीम के लाइफ पर बेस्ड है और ये फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। दोस्तों 2023 की अगली फिल्म की बात करें तो वो है योद्धा। योद्धा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी और राशि खन्ना। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर पुष्कर ओझा और ये फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है। इसके बाद अगली फिल्म की बात करें तो वो है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव और ये एक पीरियड वॉर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। सन 1818 में अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुई युद्ध द बैटल ऑफ कोरेगांव के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में अर्जुन रामपाल, दिगांगना सूर्यवंशी, सनी लियोनी और अभिमन्यु सिंह दिखने वाले हैं और ये फिल्म मार्च 2023 को रिलीज हो सकती है। दोस्तों अगली फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म के लीड रोल में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है और ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। दोस्तों अगली फिल्म सेल्फी है, जो कि 2023 में अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ इमरान हाशमी भी दिखने वाले हैं। ये फिल्म एक मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि 2019 में आई थी, उसकी ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म में अक्षय कुमार एक सुपरस्टार के रोल में दिखेंगे और वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखने वाले हैं और ये फिल्म इसी साल 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। दोस्तों अगली फिल्म जो इसी साल आने वाली है वो है फिल्म शहजादा, जो कि अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम अल्लू का ऑफिशियल रीमेक है और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सैनन हमें लीड रोल में दिखेंगे और ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली फिल्म की बात करते हैं। दोस्तों अगली फिल्म है भोला, जो कि अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म है और इसका टीजर भी आउट हो चुका है। दोस्तों ये फिल्म 3D में आने वाली है और इसका टीजर मुझे तो काफी अच्छा लगा। इस फिल्म में हम अजय देवगन के साथ तब्बू, दीपक डोबरियाल और शरद केलकर को भी देख पाएंगे और इस फिल्म को खुद अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है, जो कि 30 मार्च को रिलीज होगी। दोस्तों अगली फिल्म संदीप रेड्डी वांगा की मच अवेटेड मूवी एनिमल है और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसे फिल्म को डायरेक्ट किया है। दोस्तों एनिमल एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसमें लीड रोल में हमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना दिखने वाले हैं और ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। इसके बाद जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में हम सब कोई जानते हैं और वो है आदि पुरुष। तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसकी फाइनल रिलीज डेट बता देता हूँ, जो कि 11 जून 2023 को रिलीज होने वाली है। दोस्तों अगली फिल्म है सैम बहादुर और इस फिल्म में सैम बहादुर के किरदार में हम विकी कौशल को देखने वाले हैं और इन्हीं के साथ इस फिल्म में फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा भी दिखने वाली है और ये फिल्म एक पीरियड वॉर फिल्म होने वाली है। दोस्तों ये फिल्म सैम मानिकशॉ बहादुर के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम इंडियन आर्मी के चीफ थे। दोस्तों ये फिल्म ट्रू इवेंट्स और ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और इस फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार है और ये फिल्म इसी साल 2023 में दिसंबर को आएगी। तो दोस्तों यही कुछ फिल्में हैं जो इस साल रिलीज होने वाली है और इन फिल्मों से बॉलीवुड को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो उम्मीद है कि ये 2023 का साल बॉलीवुड के लिए अच्छा हो और हमें भी अच्छी फिल्में देखने को मिले। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए फिल्मी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।